चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस का केस स्टडी। पहले तो आप लोग समझ लो कि ये जो केस स्टडी इंट्रोड्यूस किया गया है ये नवे 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एसपी और ओसी में है, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तीन केस दिए रहते हैं आपको, दो केस अटेम्प्ट करना रहता है, तीन तीन मार्क के दो केसेस रहते हैं। ये आपको एबीसी तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये 3 मार्क का एक केस रहेगा, ठीक है। ऐसा 6 मार्क 3 में से 2, और 12th का जो ओसी का पेपर है, इतने सालों से मतलब पोस्ट कोविड 4 पेपर हो चुके हैं, चारों पेपर में जो केस स्टडी है आपके बाल भारती के बुक के एंड में जो केस स्टडी दिया उसमें से ही आता है, बाहर से सरप्राइजेस नहीं होते हैं। तो केस स्टडी जैसे आपका इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन है, उसके आंसर से वैसे ही है। तो अभी हम रीड करते हैं। जयसुख ऑयल मिल्स प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल, ठीक है। द एंटायर प्रोडक्शन इज परचेज बाय रूपेश ऑयल डेपो, हु इन टर्न सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर्स। मिसेस प्राची परचेज 2 kg ऑयल फ्रॉम बालाजी ग्रोसरीज, आइडेंटिफाई होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। जयसुख प्रोड्यूस करता है, एंटायर प्रोडक्शन कौन खरीद रहा है? रुपेश ऑयल डेपो। सो रुपेश ऑयल डेपो क्या है? होलसेलर। होलसेलर है जो बाद में रिटेलर्स को बेचता है, और फिर रिटेलर्स प्राची जो है कंज्यूमर है जो खरीदती है बालाजी ग्रोसरी से। तो रिटेलर कौन है? बालाजी ग्रोसरी रिटेलर है। आया समझ में आपको? सो रुपेश सिंपल सा लॉजिक है। प्रोड्यूसर कौन है? जयसुख ऑयल मिल्स। फिर किसको बेचता है? रुपेश ऑयल डेपो। वो कौन है? होलसेलर। वो किसको बेचता है? रिटेलर, उसमें से एक बालाजी ग्रोसरी है। मिसेस प्राची, ये तो एक कंज्यूमर हुई ना, सो कंज्यूमर कौन है? मिसेस प्राची इज द कंज्यूमर। नेक्स्ट केस में आते हैं। मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड सेल्स गुड्स टू मिसेस फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए बाइज वेरी गुड्स फ्रॉम ब्राजील, हु इज इंपोर्टर। 1 मार्क का ये और 2 क्वेश्चन आने चाहिए। इंपोर्टर कौन है? सोचो। प्रणव भारत में बनाता है, जैक ऑफ इंग्लैंड फ्रैंक कॉर्पोरेशन नॉर्थ अमेरिका को बेचता है, एंड मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील। विलियम्स। सो करेक्ट आंसर क्या है? फ्रैंक जो है कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका, एंड मिस्टर विलियम ऑफ यूएसए बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील। सो आप मेसर्स फ्रैंक कॉर्पोरेशन इन नॉर्थ अमेरिका बोल सकते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट। हाँ, एंड मिस्टर विलियम्स ऑफ यूएसए बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम ब्राजील, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दोनों कौन है? इंपोर्टर है। एक्सपोर्टर कौन है? जैक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब दूसरा, ये आ गया 2। अभी हु इज मैन्युफैक्चरर? प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। देखो कितना आसान है केस स्टडी, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता, इसमें से ही और नॉलेज बेस्ड आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, मिस्टर प्रणव इज अ टिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, हु इज द एक्सपोर्टर? जैक। मिस्टर जैक ऑफ इंग्लैंड इज द एक्सपोर्टर। सिंपल सा लॉजिक है। सी मैन्युफैक्चरर प्रणव है, जैक एक्सपोर्टर है, फ्रैंक कॉर्पोरेशन और मिस्टर विलियम्स इंपोर्टर है, ठीक है ना। कितना इजी है, यहाँ पे आपका केस स्टडी खत्म भी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और कुछ डाउट्स रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम जरूर आंसर करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।